हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी की पूरी। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लौकी ली है। इसे हम छील लेंगे। ये देखिए, हमने लौकी को छील लिया है और इसके दोनों साइड्स को हटा दिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। यहां मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें हम डालेंगे नमक और चिली फ्लेक्स। आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा मसाले कर सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लौकी डाल देंगे। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहां पर आपको पानी नहीं डालना है, पहले आप लौकी से ही अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। अगर आपको जरूरत लगती है तो ही आप इसमें पानी डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि लौकी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अब हमारा डो थोड़ा सा पानी और मांग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा डो बनकर तैयार है। हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमारे डो को 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे हाथ पर थोड़ा सा घी लगाकर मसल लेते हैं ताकि हमारा डो और अच्छे से चिकना हो जाए। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो हम पेड़े छोटे छोटे ही बनाएंगे क्योंकि हम पूड़ी बना रहे हैं। तो देखिए, इस साइज के पेड़े आपको बनाने हैं। इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक गैस पर तेल गरम करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं। और फिर इसे हम बेलेंगे। हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है थोड़ा। तो ये देखिए, इस तरह से आप पूड़ी बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने ये पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा तेल गरम होने में। ये देखिए,
अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें पूरी डाल देते हैं। अब हम इसमें पूरी डाल देते हैं। और इसे हल्के हाथ से दबा दबा कर फ्राई करेंगे ताकि हमारी पूरी फूल जाए। अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी पूरी फूल गई है। और ये देखिए कलर भी हमारा अच्छा आ गया है, गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं इसे और इसी तरह दूसरी पूरियां भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी पूरी भी बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारी पूरियां तल लेंगे। ये देखिए हमारी लौकी की गर्मा गर्म पूरियां बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही अच्छी बनी है। ये बहुत ही हेल्दी भी होती हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पूरियां कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।